शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 27/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग बड़ा प्यारा है, बाबा हमें कई बार कई मिसाल, कभी किसी वस्तु का, पदार्थ का, परंतु आज मीठे मीठे बाप दादा ने जानवर या दरियाई प्राणी को भी याद किया है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, कछुए मिसल, कछुआ पता है ना, एकदम उसका पत्थर का वो जैसे शरीर दिखता है जिसकी ढाल बनाई जाती है, मुंह बड़ा छोटा होता है, जब कोई विघ्न आता है तो वो अपना मुंह अंदर ले लेता है और ऐसे बैठा रहता है जैसे वहां कोई पत्थर पड़ा है। तो कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठकर स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की साकरीन है उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अर्थात याद में जब हम बैठे तो सब समेट लें, किसी को भी याद न करें और चुपचाप बैठ के एक बाबा को याद करें। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, जब तुम ईश्वर के बच्चे बने, उनके सन्मुख बैठे हो तो बड़े प्यार से उसे याद करो, फिर उनकी श्रीमत पर चलो। क्या श्रीमत है? जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा, परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए ही बैठा हूँ। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे नहीं आए, क्योंकि बाप मिले हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है, बाप की याद में रहकर अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा नंबर है, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है, किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है, भले कितना भी सुंदर हो, गोरा हो और बहुत ही कलात्मक हो, परंतु बाबा कहते हैं वो भी छीछी है, क्योंकि तमो प्रधान प्रकृति और विषय विकारों के आधार पर बना हुआ शरीर है, इसीलिए वो छीछी है, तो उसे याद नहीं करना है। वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी बाबा बता रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, फिर संबंध और संपर्क, हर बात में सहज विजयी, मोहब्बत में मेहनत नहीं, तो बिना मेहनत विजयी बनना। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती, उसको कोई विजयी होने से रोक नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे किसी भी बात में। ये क्या, क्यों, कैसे, ये कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है, क्या, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, और जो आगे होना है वो और अच्छा ही होना है। सभी ने पक्का किया, वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे, कौन, जो निश्चय बुद्धि है उनकी बाबा बात कर रहे हैं। चिंता शब्द की भी उन बच्चों को अविद्या होगी जिनको ये पक्का होगा, जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। स्लोगन है आज का,
सदा प्रसन्न चित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, हाँ सभी आप भी अभी कंप्यूटर के सामने कोई कोई बच्चे बाबा के बैठे होंगे, तो बाबा कहते हैं अब बुद्धि रूपी कंप्यूटर को भी सामने रखो और फुल स्टॉप की उसमें मात्रा लगाओ। कोई भी बात में क्यों क्या नहीं करना है, फुल स्टॉप माना जो हो गया सो ड्रामा, हो रहा है ड्रामा, हुआ सो ड्रामा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।